रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट की पृष्ठभूमि में कुशल पेशेवर बनाने के उद्देश्य से पंजाब स्थित लैमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी LTSU ने स्टेलर स्कूल ऑफ रियल एस्टेट लॉन्च किया है, जो इस सत्र से पहला कोर्स रीइन्फोर्सिंग स्किल एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयबिलिटी डेवलपमेंट यानी रीसीड पेश करेगा। पाठ्यक्रम में संपत्ति प्रबंधन, रियल एस्टेट वित्त, शहरी नियोजन आदि समेत कई विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। LTSU ने आधिकारिक बयान में कहा, 3 महीने के इस कोर्स का पाठ्यक्रम रियल एस्टेट विशेषज्ञों ने तैयार किया है। भास्वर पॉल रियल एस्टेट पेशेवर है, जिन्होंने पाठ्यक्रम को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। UGC के नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुसार क्रेडिट सिस्टम का पालन करेगा, जिसमें ऑन दी जॉब ट्रेनिंग के लिए क्रेडिट शामिल है, जो विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण के लिए अग्रणी है। इस पहल पर बात करते हुए यूनिवर्सिटी के चांसलर संदीप सिंह कोरा ने कहा है कि रीसीड एक लर्निंग इकोसिस्टम का निर्माण करेगा, जो भारत के युवाओं को घरेलू और विदेशी बाजार में रोजगार योग्य बनाने के लिए वैश्विक स्तर के कौशल प्रदान करके भारत को दुनिया की कौशल राजधानी बनाने के पीएम मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। स्कूल प्रमाण पत्र स्तर से डिप्लोमा से लेकर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर तक विभिन्न कार्यक्रमों की पेशकश भी करेगा। ग्रेजुएशन और उच्च डिग्री कार्यक्रम उत्कृष्टता केंद्र के तहत पेश किए जाएंगे, जबकि डिप्लोमा और प्रमाण पत्र स्तर के कार्यक्रम स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के तहत पेश किए जाएंगे। फिक्की के अध्यक्ष और विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड के सदस्य विनीत नंदा ने कहा कि असंगठित रियल एस्टेट इस क्षेत्र में काम करने वाले कुछ लोग उद्योग के लिए बहुत बदनामी लाते हैं। रियल एस्टेट उद्योग की छवि को सुधारने के लिए यह आवश्यक है कि उद्योग में काम करने वाले पेशेवर कानूनी और सरकारी नियमों, सॉफ्ट कौशल विकास, क्षेत्र के डिजिटल और तकनीकी डोमेन के ज्ञान से लैस हो, भाषा कौशल के साथ अच्छी तरह से तैयार और कुशल होना चाहिए। उद्योग के पेशेवरों द्वारा तैयार किया गया रीसीड पाठ्यक्रम विशेष रूप से रेरा विनियमित वातावरण में व्यावहारिक और तकनीकी दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। और सेलर स्कूल ऑफ रियल एस्टेट में जो हमने रीसीड का प्रोग्राम शुरू किया है, उसे करिकुलम को डेवलप करने में मैं और मेरी टीम काफ़ी इन्वॉल्व रही है। और हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर के बाद रियल एस्टेट इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। पिछले साल 2022 में तकरीबन 200,000 ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, और उसमें तकरीबन 65-70% ट्रांजेक्शन्स हमारे चैनल पार्टनर्स और एजेंट्स ने किए। इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री यू नो लास्ट ईयर वी डिड ऑलमोस्ट 6-7% ऑफ द GDP। बाई 2025 वी विल रीच ऑलमोस्ट 10% ऑफ द GDP, and the industry is likely to reach almost $1 trillion in turnover in overall growth. So isme channel partners ka contribution isliye bahut zyada hai because 85-90% transactions kai baar channel partners karte hain alag alag stage mein. To is silsile mein hamara objective ye hai ki hum ek aisa academic practice leke aaye which will enable these channel partners to work according to the governing laws of RERA. अब कई बार ऐसे होता है कि चैनल पार्टनर्स काम कर रहे होते हैं बट उनको रेरा का भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, सो वो हमारे ट्रस्ट को बिल्ड नहीं कर पाता हमारे कस्टमर्स में, ताकि हम कस्टमर्स में ट्रस्ट इम्बाइब कर सकें एंड कस्टमर्स यू नो हैव फार मोर फेथ इन द इंडस्ट्री। वी हैव ब्रॉट दिस प्रोग्राम विच विल यू नो हॉन देयर स्किल्स अबाउट द रियल एस्टेट फंडामेंटल्स, देन वी आर टॉकिंग अबाउट इम्प्रूविंग देयर सॉफ्ट स्किल्स एंड दी पॉलिसी मैटर्स ऑन यू नो गवर्न बाई दी गवर्नमेंट। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये प्रोग्राम बनाया गया है। ये 3 मंथ्स का प्रोग्राम है और तकरीबन कोर्स फी विल बी इन द रेंज ऑफ ऑलमोस्ट 40,000 rupees, विच इज़ गोइंग टू एनहेंस देयर स्किल्स एम्प्लॉयबिलिटी, और उनको अपने जॉब के साथ साथ ही आराम से भी कर सकते हैं। महाराष्ट्र में और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रेरा महाराष्ट्र रेरा ने रेरा को मैंडेटरी कर दिया, तो उसी सिलसिले में आने वाले टाइम पे ये एक मैंडेटरी प्रोसेस होने वाला है, जिसकी वजह से हमारे को पहले से ही अपने जो चैनल पार्टनर्स हैं या जो प्रोफेशनल्स हमारे इंडस्ट्री में काम करते हैं, हमें उनको एम्पैनल करके, उनको रेगुलेट करके, उनको इम्प्रूव करना है ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी भी एनहेंस हो सके। ठीक है जी, उसी पर्पस के साथ ये प्रोग्राम किया। थैंक यू सर। हम लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी की ओर से आज करने जा रहे हैं, और ये प्रेस कॉन लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी जो है अपनी तरह की पहली स्किल यूनिवर्सिटी है इंडिया में, जो कि इंडस्ट्री की ओर से सेटअप की गई है। जनरली आपने देखी होंगी यूनिवर्सिटी हैं जो
प्राइवेट प्रमोटर्स करते हैं, दिस इज़ बाय द इंडस्ट्री, जिसमें IBM इज़ एन एंकर पार्टनर एंड टाटा टेक्नोलॉजी एंड एनसिस कॉरपोरेशन इंडस्ट्री पार्टनर आए हैं एंड हमारे UK बेस्ड डायस्पोरा हैं जिन्होंने लैंड दी है। तो ये यूनिवर्सिटी जैसे सेटअप हुई तो विजन ये था कि हम ऐसा प्रोग्राम लेके आए जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है एंड इंडस्ट्री की जो करंट रिक्वायरमेंट को ना लेते हुए हम ये भी देखेंगे आने वाले समय में रिक्वायरमेंट क्या है। जनरली प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि एग्री जो एजुकेशन है ये प्रोग्राम उस टाइम शुरू करते हैं जब रिक्वायरमेंट है, जिस दिन शुरू हो जाती है देन बच्चे को तैयार करने में टाइम लग जाता है। तो इसी तरह से हमने काफ़ी प्रोग्राम शुरू किए हैं। आज जो हमारा मेन फोकस था रियल एस्टेट के ऊपर, रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप सब जानते हैं कि RERA जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है, यदि आप ग्लोबल लेवल पे देखो तो जहाँ भी RERA इंट्रोड्यूस हुआ है वहाँ पे बाद में सर्टिफिकेशन मैंडेटरी हुआ है। तो प्री एम्प्टिंग के ये यहाँ भी ये होगा, हमने प्रोग्राम के ऊपर वर्क करना शुरू किया एंड वी स्टार्टेड कनेक्टिंग विद द इंडस्ट्री, जिसमें हम इंडस्ट्री के जो टॉप प्रोफेशनल से उनसे मिले, मिस्टर विनीत नंदा जो इसी इंडस्ट्री से उनसे भी हम मिले, उनसे साथ लेके JLL को साथ लिया, हमने प्रोग्राम करना शुरू किया एंड हम इंडस्ट्री के प्रोफेशनल प्रोफेसर पॉल को साथ लेके आए कि आप आके इसको लीड करिए। जब हम ये सारा मैकेनिज्म तैयार कर रहे थे तो जैसे मैंने कहा प्री एम्प्ट करते हुए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज़ द फर्स्ट गवर्नमेंट टू मैंडेट द रियल एस्टेट सर्टिफिकेशन फॉर द प्रोफेशनल हु आर वर्किंग देयर। तो हमारा ये जो स्कूल है स्टेलर स्कूल ऑफ रियल एस्टेट हमने सेटअप किया है, जिसके अंदर हम 3 मंथ का प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं पहले फेज में, जो कि उन बंदों के लिए है, उन कैंडिडेट्स के लिए है दोज हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री एंड द चैनल पार्टनर्स, उनको तैयार किया जाएगा सो दैट दे कैन बी अ सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स। कल को जैसे RERA हर स्टेट में होगा तो वो सर्टिफाई हो जाएंगे, उनको जॉब छोड़नी नहीं पड़ेगी, अदरवाइज दे विल हैव टू क्विट द जॉब, बिकॉज यदि मैंडेट आ गया तो आपको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है। तो हमने पहले फेज में चैनल पार्टनर्स को लिया है, सेकेंड फेज में हम जो है इस प्रोग्राम को जो हमने नाम दिया है रीसीड ब्रांड नेम है, जिसके अंदर जो है री इन्फोर्सिंग स्किल एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयबिलिटी डेवलपमेंट, कि जो बंदे ऑलरेडी तैयार हैं उनको स्किल दे के सर्टिफाई किया जाए। और ये प्रोग्राम हम आज लॉन्च करने जा रहे हैं एंड इसको करने के बाद हम और प्रोग्राम भी शुरू करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के, ग्रेजुएट लेवल के अंडर स्टेलर स्कूल में और प्रोग्राम भी आएंगे। आई एम डॉक्टर संदीप सिंह कौड़ा, चांसलर ऑफ लैमरिन टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी। दिल्ली से पंजाब केसरी टीवी के लिए राकेश सोनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।